हाय गाइज़, वेलकम बैक ओवर चैनल। और गाइज, जब भी शाओमी के रेडमी फ़ोन्स में कोई नई अपडेट्स आना होती है या फिर कुछ नए फीचर वो हमें जो है देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले शाओमी जो है उसको अपने यूज़र्स के लिए बीटा टेस्ट करता है और उसके बाद उसको जो है ग्लोबली स्टेबल रिलीज़ करता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में हमें जो है पोको F1 में जो है सुपर स्लो मोशन मोड देखने को मिल रहा है बीटा वर्जन में, लेकिन अभी ये स्टेबल में आना बाकी है और उसको काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप जो है बीटा प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं शाओमी के फ़ोन्स में, तो आप जो है अर्ली एक्सेस कर पाएंगे नए नए फीचर। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज हम जो है बीटा रोम फ्लैश करने वाले हैं रेडमी नोट 6 प्रो में MIUI 10 वाली, जहाँ पे वीकली इसका अपडेट मिल जाता है और हर वीक हमें जो है कुछ ना कुछ इस अपडेट में नया देखने को मिलता है, चाहे फिर वो आने वाली नई अपडेट्स हो या फिर MIUI 10 में कोई यहाँ पे चेंजेस या फिर एंड्रॉयड पाए, ये जो है सब हमें जो है बीटा में ही मिलता है। तो इस वजह से आज हम जो है इस रोम को फ्लैश करने वाले हैं और यहाँ पे हमें ना ही पीसी की ज़रूरत पड़ने वाली है और ना ही हमें हमारे फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा और ना ही यहाँ पे रूट करने की ज़रूरत है। हम जो है हमारे फ़ोन से ही इसको फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपके फ़ोन का जितना भी डेटा है आप उसका जो है बैकअप ले ले, नहीं तो आपका जो डेटा जितना भी है वहाँ से सब वो इरेज हो जाएगा। इसलिए पहले आप जो आपका जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको बैकअप बना ले और फिर जाके आप जो है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाए। तो अभी मेरे पास आप देख सकते हो MIUI 10 है और ये बिल्कुल स्टेबल वर्जन है और यहाँ पे हम जो है इसको चेंज करने वाले हैं बीटा में। सबसे पहले हमें जो है बीटा रोम को डाउनलोड करना होता है लेटेस्ट वाली MIUI फोरम से। वहाँ पर आपको जो है दो तरह की रोम देखने को मिलती है बीटा में, एक होती है रिकवरी मोड वाली और एक होती है फास्ट बूट मोड वाली। तो अगर आप जो है फास्ट बूट मोड वाली रोम को डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है पीसी की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो मैं जो हूँ आपको विदाउट पीसी से कैसे इसको फ्लैश किया जाता है ये बताने वाला हूँ। तो आपको जो है रिकवरी मोड वाली रोम को डाउनलोड करना है और उसके बाद ये आप देख सकते हो ये रोम मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर ली है और इसको जो है आपको आपके फाइल मैनेजर में रख लेना है और उसके बाद हमें जाना है सिस्टम में, अबाउट में। अबाउट में जहाँ भी हम हमारा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करते हैं तो आपको जाना है अबाउट फ़ोन में इस तरह से और यहाँ पे सिस्टम अपडेट में जाना है और यहाँ पे आपको जो ऊपर की जो मेनू दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको चूज़ करना है अपडेट पैकेज और ये जो रोम है हमारी उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ओके कर लेना है। और यहाँ पे ध्यान रहे दोस्तों, आपका फ़ोन का जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ऑन होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप जो है इस रोम को फ्लैश कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये वेरीफाई होती है और ये आपके जो फ़ोन का इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करती है और इस टाइम आपको जो आपके फ़ोन में कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपकी फ़ाइल जो है करप्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप जो है देख पाएंगे यहाँ पे ये डिक्रप्ट हो रही है और अब ये फ्लैश हो जाएंगी खुद ब खुद। तो यहाँ पे आपको कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके बाद जितना भी डेटा है आपका सारा यहाँ से इरेज हो जाएगा और कुछ मिनट में, चाहे फिर आपको 5 या 10 मिनट लग सकते हैं, आपका रोम फ्लैश हो जाएगा। तो मैं कर देता हूँ इसको फ्लैश और इस वीडियो को ट्रिम और आपको मिलता हो इस वीडियो में आगे, जहाँ पे ये रोम कंप्लीट यहाँ पे फ्लैश हो जाती है। गाइज, हमने जो है सक्सेसफुली हमारी बीटा रोम को फ्लैश कर लिया है विदाउट रूट, विदाउट पीसी, और आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेबल से अब ये बीटा में अब मूव हो चुका है और यहाँ पर MIUI 10 का लेटेस्ट वाला बीटा वर्जन है 8.12.6 वाला, जो आप भी आपके फ़ोन में करना चाहते हैं। और इसके बेनिफिट ये है कि नए नए फीचर आपको जो है आपके फ़ोन में मिलते रहेंगे बीटा वर्जन में और इसकी अपडेट भी जो है आपको वीकली मिलते जाएंगी। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय की होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स कर देना, और अब तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक जो है पहुँचती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।